कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, ना इंसाफ़ी का नहीं चल सकता। मेरे पे एक एक दिन भारी है कि मैं जेल से बाहर हूँ और मेरा लीडर इस वक्त जेल के अंदर है। कि खान साहब अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचते हैं। ताकत का मरकज़ इमरान खान है और 25 करोड़ अवाम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है, जो अपने अवाम का और पाकिस्तान का इतना खैर ख्वाह है उसे जेल में रख कर कुछ हासिल नहीं। मैंडेट चोरी करके आप लोग इक्तदार में तो आ गए हैं, अवाम का साथ आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है और आपके पास बेसिकली अवाम के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं। अवाम इस वक्त खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, महंगाई के हालात इस वक्त क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, सरदार आतिफ खान और आप देखें जी एन डिजिटल। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त किसी तारफ़ की मुताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमाएं हालिया अमजर साहिब जेल से रिहाई के बाद हमारे साथ पहली खसूसी गुफ्तगू कर रही हैं। जेल में रही हैं, काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। 9 मई की गिरफ्तारी के बाद कैसा फील करनी है, रिहाई हुई है, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या का नाबुद हुवैया का नस्ताइन। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि कुर्बानी हमने नहीं दी है, कुर्बानी तो हमारा लीडर दे रहा है इस वक्त जो अवाम के लिए जेल में बैठा है। हम तो सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रहे थे और उसका साथ दे रहे थे। और बाकी इस वक्त जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है, 15 महीने 4 दिन जेल में रहने के बावजूद और इतने MPOs इतने केसेस के बावजूद एक ही मकसद है, वो है इमरान खान साहब की रिहाई और उनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दोबारा बनाने के लिए कोशिशें करना। दैट्स इट। और बाकी सारा कुछ मैं ये समझती हूँ कि ये आइन के लिए था, इस पाकिस्तान के लिए था, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए था। ये सब कुछ, ये किसी पे कोई एहसान नहीं था। इस कौम पर अगर कोई एहसान कर रहा है तो वो मेरा लीडर इमरान खान कर रहा है। हफाजती जमानत के लिए भी आप यहाँ आई हुई, आपको उम्मीद है कि जिस तरह आपको कोर्ट से सुरखरू हुई है, उससे पहले भी जमानत तो मिलती नहीं कोर्ट, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं, एक जेल से उठा के दूसरी जेल में, फिर तीसरे में, फिर लगातार एक साल से भी ज़्यादा बल्कि आप जेल में रही हैं, तो क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमने रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर किया था। मैं जब भी कोर्ट में पेश होती थी तो हम जजेस को यही कहते थे कि हम रूल ऑफ लॉ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आइन की बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस मुल्क में अवाम का जो डिशी पर एतमाद बहाल हो। इसकी ये एक थी जिसकी वजह से हमने हर दफ़ा कोर्ट के आगे सरेंडर किया। और पहली ज़मानत मुझे 8.5 महीने के बाद मिली, उसके बावजूद फिर आपने देखा है लातादाद गिरफ्तारियां, एक जेल से निकलते थे अगली जेल में कैद कर दिया जाता था, केसेस पर केसेस, बेतहाशा जो कुछ हो सकता था सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी अदालतों पर पूरा एतमाद है और हमें ये यकीन है कि इस मुल्क में, क्योंकि देखें यही कहा जाता है, जंग में भी यही पूछा गया था कि इस मुल्क में अदालतें कायम हैं, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, ना इंसाफ़ी का नहीं चल सकता है। इसलिए हम तो अपनी अदालतों से भी यही कहेंगे कि अवाम आपकी तरफ देख रही है, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपनी इज्जत और तौकीर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। देखें लाहौर हाईकोर्ट ने मुझे ज़मानत दी, लाहौर हाईकोर्ट ने मुझे ये कहा कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, मुझे ना किसी कस्टडी में लिया जा सकता है ना मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। अगले दिन रिपोर्ट पेश की गई, एक मुकदमे का चालान पेश कर दिया गया, 4 नए केसेस मेरे पर फैसलाबाद के डल गए, एक नया मियांवाली का डल गया। उसके साथ आपने ये देखा है कि उस दिन मुझे सरगोधा MPO पे डिटेन करने की कोशिश की गई, मेरे घर पे रेड हुआ। तो ये हम तो सरेंडर कर रहे हैं, हम तो हर अदालत में जा रहे हैं, अदालत ने अपनी तौकीर के लिए अब खुद खड़ा होना। मैडम ये बताएं, हम भी जेल में प्रोसीडिंग देखने जाते रहते, खान साहब से जब भी मुलाकात होती तो वो एक ही बात कहते हैं कि मुझे जितनी मर्जी जेल में रख रहे हैं, जो जो हमारी ख्वातीन है, जो हमारे कारकुनान हैं, उनको क्योंकि रिहा किया जाए, क्योंकि उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वैसे सिर्फ हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको उठा के इन्होंने जेलों में डाले, खास तो यस्मीन राशिद साहब, आप लोगों को खान साहब नाम लेकर कई मरतबा मीडिया से गुफ्तगू में भी कहते रहे, हाईलाइट करते रहे कि इन लोगों को छोड़ना चाहिए और इनके बदले मुझे जितनी मर्जी जेल में रखना है चाहे तो बेशक रखें। हमसे तो जब कोई भी पूछता था, हमें ये कहा जाता था कि आपको रिहा कर दे, तो हम ये कहते थे कि नहीं, पहले हमारे लीडर को इमरान खान साहब को रिहा करें और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से अगर मेरी रिहाई हो गई है तो उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरा मकसद ही ये है, मेरे पे एक एक दिन भारी है कि मैं जेल से बाहर हूँ और मेरा लीडर इस वक्त जेल के अंदर है। खान साहब ने हमेशा अवाम के लिए, हमेशा अवाम के लिए, अपनी अपने लोगों के लिए, उनकी जितनी भी जद्दोजहद है ना, ये सब कुछ ये बताता है जो आप मुझे ये बता रहे हैं कि खान साहब ये कहते रहे कि मुझे जेल में रख लें लेकिन मेरे लोगों को रिहा कर दें, हमारी खवातीन, हमारे नौ, तो यही बात बताती है कि खान साहब अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचते हैं। और वही, इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान खान है।
अच्छा ये बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अभी ट्रेंडिंग चली है लीमा खान साहब के एक आडियो के, वो कह रही हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए मौजूदा जो लीडरशिप है आपकी वो संजीदा नहीं है, वो जलसे का दूसरी तीसरी बार ऐलान हुआ लेकिन जलसा वगैरह नहीं हुआ, इस वजह से आपका क्या मौक़िफ़ है, इस वजह से आपका क्या रद्द अमल? देखें जी, मैं ये समझती हूँ जब खान साहब की बात आ जाती है तो हम सब ये कहते हैं कि जो खान का हुक्म होगा हम वही करेंगे, और मैं ज़ाती तौर पर तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या हालात थे, क्या चीज़ें थी, लेकिन मुझे ये पता है कि खान साहब ने अगर ये फ़ैसला किया है, अगर खान साहब ने ये फ़ैसला किया है तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है, और जाहिर है पाकिस्तानी आवाम सिर्फ़ खान साहब की तरफ देख रही है। लेकिन कल के इस सारे एपिसोड के बाद एक तो बात साबित हो गई है, ताकत का मरकज़ इमरान खान है और 25 करोड़ आवाम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। जेल में बैठा हुआ एक शख्स, उसके लिए अवाम भी बाहर निकलने को तैयार है, मैंडेट भी उसके पास है और अवाम उसके लिए जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है, और हकूमत वक्त को अगर मिनते तरले करने पड़े तो कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के ही करने पड़े, और आप ये देखें कि अपनी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए वो फिर भी एक कदम पीछे हट गए। अब बाकी लोगों के लिए भी ये सोचने का मकाम है जो अपने अवाम का और पाकिस्तान का इतना खैर ख्वाह है उसे जेल में रख कर कुछ हासिल नहीं हो। मुझे आपने ये बता दें, मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि जो 9 मई के असल किरदार हैं उनको हीरो बनाया जा रहा है, उनको केपी हाउस में जो है वो टिकटॉक बना रहे हैं, उनको अजीम किया जा रहा है और उनको अदालतें भी रिलीफ दे रही है, मतलब उनका इशारा सनम जवेद साहब और आप लोगों की तरफ ही था, तो उनको क्या जवाब देने चाहिए वज़ीर आला पंजाब जो बनी हुई? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगी कि मैंडेट चोरी करके आप लोग इक्तदार में तो आ गए हैं, अवाम का साथ आप लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है और आपके पास बेसिकली अवाम के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस वक्त पीटीआई का पीछा छोड़कर, बाकी सारी चीज़ें छोड़कर आपको इस वक्त अवाम के रिलीफ की बात करनी चाहिए। आप ये देखें अवाम इस वक्त खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है, महंगाई के हालात इस वक्त क्या हैं, यहाँ पर बेरोज़गारी के हालात क्या हैं, लेकिन मरियम साहिबा, क्या मैं अगेन यही कहूँगी कि वो क्या पूरी हुकूमत वक्त इस वक्त उनके लिए सिर्फ पीटीआई। आप कोई टॉक शो देख लें वो पीटीआई से शुरू होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें पीटीआई से शुरू होती है, यानी उनका इवन अटेंशन का महवर भी पीटीआई है। तो मैं तो सिर्फ उनको इतना कह सकती हूँ, मैंडेट चोरी कर दी है आपने, लेकिन उसके बावजूद हम यही कहते हैं कि अगर आप बैठे हैं तो अवाम की फ़िक्र करें, हमें छोड़ें, हम तो अवाम की फ़िक्र के लिए सब कुछ करेंगे, अवाम के लिए खड़े हैं, अवाम के हकूक की जंग के लिए खड़े हैं। ये जो जेलें बर्दाश्त की हैं हमने, हमारे लीडर ने, वो किसके लिए की हैं? हम तो बेगुनाह थे। कल मुझे गुजरांवाला के केस में उन्होंने बरी किया है मुझे, और इंशाल्लाह ताला मैं बाकी केसेस में भी बरी होंगी, क्योंकि मेरे अगेंस्ट क्या, खान साहब के अगेंस्ट क्या, बीबी साहिबा के अगेंस्ट क्या, पीटीआई के अगेंस्ट क्या, किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नहीं है, क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ना हम किसी तोड़फोड़ में मुलव्वस थे, ना आइंदा हम, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमारा जीना मरना इस मुल्क में है, हमारी कोई लंदन में या बड़े आज़मों में जायदादें नहीं हैं, हम इस मुल्क में हैं, हमारा सारा कुछ जीना मरना इस मुल्क में, तो ये भूल जाएँ, हम अपनी आवाम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और मेरा लीडर और हम उसके पीछे खड़े हैं, हमारा एक ही मुतालबा हमारे लीडर को रिहा करें।